जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। जुलाई 3 तारीख को हमें जो अपडेट मिला था MI E3 के अंदर, उसके ऊपर एक Q&A है। मैंने दोस्तों यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो सकता है ना दे पाऊँ, तो आप लोग नेक्स्ट Q&A के लिए वेट करना। बट यहाँ पे अपडेट आ चुका है और कई सारे यूजर अपडेट कर चुके हैं। अगर अभी तक अपडेट नहीं किया है तो जाकर चेक कर लीजिए सिस्टम में, सिस्टम के अंदर अपडेट, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि जून सिक्योरिटी पैचअप। पहले तो बहुत सारे यूजर बोल रहे थे कि जुलाई का है, बट वो जून का ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर देना, आप जो भी भाई लोग देख रहे हो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बस एक बहुत अच्छा काम करेगा अगर आप वीडियो को लाइक करते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। झरना चौधरी सबसे पहले पूछते हैं कि फ्रंट कैमरा उनका बहुत बेकार हो रहा है और साथ ही साथ जो कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं उनको यही कहूंगा कि अगर आपने कभी आपके फ़ोन को हार्ड रिसेट नहीं किया है तो एक बार हार्ड रिसेट करके चेक कर लेना। अपडेट के बाद आप डाटा वगैरह बैकअप लो और हार्ड रिसेट कर दो। यह आपके फ़ोन के लिए बढ़िया है क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन जो कि एंड्रॉयड ऑन डिवाइस होता है इसके अंदर बॉक्स वगैरह रहता है, तो ये एक मैनुअल चीज़ है, आप चेक कर सकते हो। वीडियो भी बना रखा हूँ, बहुत सारे यूजर इसको ट्राई करके देख चुके हैं उनके फ़ोन के अंदर। उनके अंदर जो छोटे मोटे इशू आते हैं अपडेट के बाद, तो ये सॉल्व हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि प्रिय रंजन साहू जो कह रहे हैं इसके अंदर फॉन्ट जो है बहुत बेकार लग रहा है। तो ऑब्वियसली ये एंड्रॉयड वन फ़ोन है, इसके अंदर एक्स्ट्रा फॉन्ट आप सिस्टम वाइज नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए ये दो ही फॉन्ट देखने को मिलता है। अगर आप इसके अंदर फॉन्ट यूज़ करना चाहते हो तो आपके फ़ोन को रूट करना पड़ेगा, बूटलोडर अनलॉक करो, मैनेजर से रूट करो और वहाँ पर आपको थर्ड पार्टी फॉन्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। बट मैं कहूँगा ये थोड़ा सा ज़्यादा लवेड है क्योंकि अब रूट कर देते हो आपके फ़ोन, बूटलोडर तो चलो ठीक है, जब अगर रूट कर देते हो आपके कोई भी डिवाइस तो वहाँ पर आपको बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी के प्राइमरी डिवाइस हो वो तो वही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो इसलिए आप उसी फॉन्ट में काम चलाओ। काजी अमिनियम कहते हैं, तो ये कहते हैं कि बैटरी इशू सेम टू सेम बैटरी फिक्स नहीं हुआ। तो ब्रो जो है यहाँ पर हर महीने कुछ ना कुछ इशू आता रहता है हमारे MI E3 फ़ोन के अंदर। डेवलपर कभी बैटरी फिक्स कर देता है, नेक्स्ट लॉट में कुछ दूसरा यूज करता है नेक्स्ट अपडेट में, तो बैटरी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मुझे कल भी एक दो यूज़र रिपोर्ट किए हैं कि इसके अंदर बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होता है। बट यहाँ पे 4GB 64GB वेरियंट में इतना दिक्कत नहीं आता जितना 6GB 128GB फीचर्स में आता है, यानी कि डिवाइस में आता है, आप लोग चेक कर सकते हो। न्यू इन कनाडा, तो ये चैनल के थ्रू ये पूछ रहे हैं ब्रो ईयरफोन नॉट वर्किंग। तो दोस्तों देखो मैंने दोनों तरफ मैंने बना दिया था वीडियो, आप कहो तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि ईयरफोन का और वायरलेस का दोनों इकट्ठा करके दिखा दूंगा डेमो, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर MI E3 के ऊपर वही रिपीटेड वीडियो चाहिए होता है जिससे आपको ईयरफोन टेस्ट करना है या वायरलेस वाला ब्लूटूथ वाला, तो मैं दिखा सकता हूँ। बट यहाँ पर मुझे कोई इशू नहीं आया है कि मेरे पास जो ब्लूटूथ का एक डिवाइस है जिसके थ्रू मैं म्यूजिक वगैरह सुनता हूँ, मेरा मूवी अगर लैपटॉप पे चलता है तो इस पर साउंड देता है और ये मोबाइल पे भी बहुत सारा गाना वगैरह मैं सुन लेता हूँ, बट इसके अंदर कभी कोई इशू नहीं आया। जब भी मैंने MI E3 ब्लूटूथ ऑन किया तो इसे डायरेक्ट ऑटो कनेक्ट हो जाता है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं आपको टेस्ट करके सब बता दूंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। निमाई जाना कहते हैं कि ये अपडेट कर लूँ, कोई इशू तो नहीं है। देखो ये अपडेट जो है ये हर मंथ आता है, तो यहाँ पर छोटे मोटे जो इशू होता है उसको फिक्स किया जाता है। कभी कोई इशू ज़्यादा निकल आता है, कभी कम आता है, क्योंकि डेवलपर फुल टाइम इसके ऊपर वार करते हैं। पर मंथ वो जितना फीडबैक मिलता है उसके ऊपर वार करके एक अलग पैचअप देते हैं, तो सभी को मिलता है। अगर आप अपने फ़ोन को सही पा रहे हो, यानी कि फ़ोन के अंदर कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ना हीटिंग इशू आ रहा है, ना चार्जिंग में कोई दिक्कत है, ना प्रॉक्सिमिटी सेंसर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि आज उजाल ये चीज़ एक इतना मायने नहीं रखते लोग, लेकिन ये चीज़ है, प्रॉब्लम है। अगर ये सब कैमरा आपको ठीक चल रहा है, सब कुछ ये बढ़िया चल रहा है, तो आप अपडेट ना करो। अगर ये कुछ ना कुछ इशू आ रहा है तो अपडेट करके एक बार मैनुअल रिस्टार्ट मारो तो बेटर हो जाएगा आपके। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सा सवाल मारे हैं प्रिंस जीवन ने कि आई थिंक सावमी वालों का दिमाग फिर से खराब हो गया है। अबाउट बैटरी लाइफ इज बैटरी बैकअप, आई थिंक सावमी यू फिक्स इन मैनेजेबल टाइम फॉर डिस्चार्जिंग मोबाइल। तो सिर्फ ये मैनेज करता है, इनका कहना मतलब कि बैटरी का
जो चार्जिंग ड्रेनिंग इशू काफ़ी दिख रहा है इस अपडेट में। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ़ोन है मिनिमम आपको अगर 9 घंटा 10 घंटा चल जाता है आपका फ़ोन में बढ़िया है। अगर 9-10 घंटा आपको फ़ोन चल जाता है, जैसे आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, साथ में सोशल साइट ओपन कर रहे हो या कोई पबजी वगैरह खेल रहे हो, तो उसमें 8-9 घंटा अगर बैटरी चल जाता है मे भी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस को चाहोगे कि 1.5 दिन 2 दिन चले, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब भी कभी अपडेट आता है, अपडेट करने के बाद मैनुअली एक बार रिस्टार्ट कर देना ताकि जो भी इशू होगा वो फिक्स हो जाता है। तो ऐसे आप कई लोग करते नहीं हो, मैं कई कितने बार वीडियो पे बोल रखा हूँ कि अपडेट करने के बाद एक बार रिस्टार्ट करो। जो लोग सेम सवाल पूछे हैं मैं उनका दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग समझ जाना अगर वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि सेम टाइप का सवाल तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर आता है सईद साहब ओंती कह रहे हैं कि टावर प्रॉब्लम आफ्टर मई अपडेट। तो दोस्तों मई अपडेट की बात यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ जून की अपडेट बात हो रहा है। अगर आप मई अपडेट में इश्यू आ रहा है तो आप जून के अपडेट कर लीजिए, हो जाएगा। मे बी आप अपने लोकल एरिया में चेक करिए आपका नेटवर्क कैसा चल रहा है, तो इस बीच में आप देख सकते हो, या सिम ट्रे को चेंज कर सकते हो, 1 में हो तो 2 में करके देख सकते हो। अंकित पूछ रहे हैं कि ब्राइटनेस इशू स्टिल नॉट फिक्स। दोस्तों ब्राइटनेस जो है इसका कभी बढ़ती घटती है, ये एमोलेड स्क्रीन के होने से कारण अगर आपको लो लाइट ब्राइटनेस भी फ्लिकर होता रहता है तो आप OLED एप्लीकेशन यूज करना मे बी आपको सफिशियंट देगा, मतलब अच्छा वर्क कर रहा है वो। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है OLED नाम से, इसके ऊपर वीडियो भी एक बना रखा हूँ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। कौशिक शर्मा पूछते हैं कि कॉल रिकॉर्ड प्रॉब्लम आ रहा है। तो कॉल रिकॉर्ड अभी फिक्स नहीं हुआ है, ये तो एप्लीकेशन गूगल एप्लीकेशन थ्रू आपको मिला है, ये MIA3 के अंदर जो सिस्टम वाइज अपडेशन ये नहीं आया है अभी। जब तक वो नहीं आता है मे बी एंड्रॉयड 11 जब तक आएगा तब तक ये फीचर्स आपको ओके हो जाएगा। अभी फिलहाल ये ट्रायल बेस्ड में है क्योंकि वो जो एप्लीकेशन है आप वो एंड्रॉयड 10 में भी चलता है, एंड्रॉयड 11 डिवाइस में भी रन करता है पिक्सल वालों में, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा उसके अंदर अनकम्फर्टेबल महसूस होगा। आपने देखा होगा जैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग पे टाइप करते होंगे वहाँ पे एक वॉइस मैसेज आता होगा कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग, ये कौन सी बाहर, ये बहुत बेकार चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे उदित शर्मा पूछते हैं कि सर मुझे मई का अपडेट नहीं मिला, आप जून की बात कर रहे हो। तो उदित भाई अगर आपको मई का अपडेट नहीं मिला है, जून का अपडेट ऑलरेडी मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। क्या आपने फ़ोन को रूट कर रखा, अनलॉक पे कोई इशू नहीं है, अपडेट हो सकता है। अगर आपके फ़ोन रूट कर रखे होंगे तो उस टाइम ये अपडेट शो नहीं करेगा, ऑन रूट करिए फिर आप ट्राई करिए। हैं कि स्लो मोशन शटर प्रॉब्लम अगेन, शुड नॉट बाय चाइनीज ब्रांड एनी मोर, टोटली चीटेड। तो ब्रो मेरे कहने का मतलब अगर आपको स्लो मोशन में इशू आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रहा है, आप एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट करिए, सॉरी हार्ड रीसेट करिए, यूज करिए, चेक करिए, हो सकता है हो जाएगा। बात रही कि चाइनीज ब्रांड के बाय नहीं करने के लिए, ये अच्छी सोच है, ये हम लोग के अंदर हर किसी के अंदर रहना चाहिए। आप अपने नेक्स्ट जब भी कभी फ़ोन परचेज करो तो चाइनीज ब्रांड को साइड कर सकते हो, ना लो तो कभी आपको फोर्सफुली नहीं कहा जाएगा कि आप वही डिवाइस लो। आप छोटी सी चीज समझो, ऑनलाइन में जब कोई मोबाइल सेल होता है, ऑनलाइन में आज के टाइम में अगर कोई मोबाइल सेल होता है 30 सेकंड में सेल आउट हो जाता है, खास करके इंडिया में। वो कैसे, चाइनीज ब्रांड को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो भाई ये ऑनलाइन सेल में इतना हाइप कैसे क्रिएट होता है जैसे 30 सेकंड में सेल आउट हो जाता है। आने वाले टाइम में आप परचेज ना करो, बट अभी जो फोन आप जिसके लिए आप पैसा खर्चा कर चुके हो उसको तो खराब ना करो, उसको यूज करो जब तक चल रहा है। सिंह जगदीप कह रहे हैं रिंगटोन इशू अभी भी आ रही है। तो यार रिंगटोन इशू क्यों आ रहा है, जब आप डुअल सिम यूज करते हो उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाया हो, डुअल सिम पर कैसे आप डुअल सिम जो कि रिंगटोन आप लगा सकते हो, काफ़ी बढ़िया फीचर्स है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई इशू नहीं आना चाहिए। अगर आपके मेमोरी कार्ड में कुछ इशू है जिसके अंदर वो शो नहीं कर रहा है या कुछ दिक्कत है, आप पूरी डिटेल्स मुझे लिखी है इस वीडियो के नीचे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको शॉर्ट आउट कराऊंगा या इसके लिए ऊपर एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। विनीता भुइया कहते हैं कि सजेस्ट करो मुझे एक इंटरनेट स्पीड एप्लीकेशन को जो कि मुझे स्टेटस बार के ऊपर शो करे। तो आप है ना, आप चेक कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर में जाके, बहुत सारा एप्लीकेशन है तो आप नाम से सर्च कर सकते हो इंटरनेट स्पीड कंट्रोलर या इंटरनेट स्पीड हाउ टू शोइंग इन स्टेटस बार, तो आपको बहुत सारा एप्लीकेशन मिलेगा, आप कोई सा भी आप 4-5 स्टार वाला देख के आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मोनी रॉय कहते हैं कि सेल्फी कैमरा कैसे सॉल्व करें। देखो MIA3 के अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है,
बट मुझे इतना स्ट्रांगली इसको फेवर में नहीं जाता हूँ कि ये 32 मेगापिक्सल कैमरा है, नाम से है बट काम से 16 मेगापिक्सल से भी कम है। अवॉइड करो, मैं एक दो दिन में आपको मोटरोला वन फ्यूजन प्लस का फ्रंट सेल्फी जो है 16 मेगापिक्सल और MI E3 का 32 मेगापिक्सल, इन दोनों का एक कंपेयर करूंगा वीडियो सेल्फी और जो भी डिटेल्स इसके अंदर हो सकता है, सिर्फ सेल्फी कैमरा, तो आपको पता चली जाएगा क्या चीज़ है, मतलब 16 मेगापिक्सल और 32 मेगापिक्सल में क्या अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर दिनेश पटेल कहते हैं कि ब्राइटनेस अपने आप कम ज़्यादा हो रहा है, तो अपने आप कम ज़्यादा होने का यही इशू है कि इसके अंदर AMOLED स्क्रीन में कुछ दिक्कत हो रहा है, अपडेट में कुछ आ रहा है, तो आप एक काम करो OLED एप्लीकेशन यूज़ करो, मे बी उसके अंदर आपको काम चल जाएगा आपका। DK गुप्ता कहते हैं कि थीम्स अपडेट, तो यहाँ पर थीम वगैरह कुछ अपडेट नहीं आता, आप डेवलपर ऑप्शन में जाके वहाँ पे एंसेंट कलर को चेंज कर सकते हो, यही है बस, थीम कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों राजू कुमार कहते हैं कि लेफ्ट साइड स्पीकर जो है इनका काम नहीं करता, मे बी आपका एक हार्डवेयर में इशू होगा या कभी कभार क्या होता है ना, फ़ोन कहीं लग गया होगा, चोट लग गया होगा, यानी फ़ोन कहीं पिट गया होगा, फ़ोन कहीं गिर गया होगा या कहीं टक्कर लग गया होगा, इसके चलते हो रहा है, आप कस्टमर केयर जाके बात कर सकते हो। निखिल दलाल कहते हैं कि अगर फोटो जूम करके क्लिक करता हूँ तो ब्लर हो रही है, तो ऑब्वियसली अगर कोई फोटो को जूम करके क्लिक करोगे तो इसके अंदर होगा, क्योंकि इसके अंदर वो फीचर्स नहीं है जिसके आप वो जूम के टाइम बड़ा सा फोटो बढ़िया से क्लियर आएगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। नॉर्मल वे में आप फोटो करिए या 48 मेगापिक्सल वाले में वाइड अल्ट्रा वाइड में आप चेक कर सकते हो क्लिक करके। पप्पू दास कहते हैं वाईफाई कॉलिंग फीचर्स कब देगा MI E3 में, तो दोस्तों MI E3 के अंदर मे बी अब जब तक एंड्रॉइड 11 आ जाएगा तब तक हमें वाईफाई कॉलिंग इसके अंदर आई होप दिख जाए, बट यहाँ पर अभी तक आप अलग से एक बाइनरी मोड में चेक कर सकते हो कोड डाल के, मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाया था, बट यहाँ पर इतना वर्क नहीं करता, बस ये एक ऑप्शन है तो यहाँ इतना मज़ेदार वर्क नहीं करता, आप चेक कर सकते हैं। पर डार्क सोल कहते हैं कि MIUI 12 से स्टॉक एंड्रॉइड में कैसे जाए, तो इसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी अप्रैल महीने में बना रखा था कि आप किसी भी कस्टम रोम से फास्ट बूट रोम को कैसे आओगे, आप वहाँ चेक कर सकते हो और वापस आ सकते हो, फिर बाद में अपने जो भी मंथवाइज अपडेट कर सकते हो आने वाले टाइम। वीरू बॉस कहते हैं कि यार भाई में MIUI 12 फ्लैश किया था, बूट लोडर लॉक करने का तरीका बताओ, तो दोस्तों कस्टम रोम में जब भी आप जाओ तो वहाँ पर आपको कभी भी लॉक मत करो, बूट लोडर लॉक करने से आपके फ़ोन में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि कस्टमाइज रिकवरी के अंदर जा नहीं सकते, फिर आपका फ़ोन एक ही दफ़ा बंद हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप जब स्टॉक रूम में आओ तब उस टाइम आप अप्लाई करो, मैंने वीडियो बना रखा हूँ, यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि गलती से आप कस्टम रूम में ये रन ना कर दो। नूर रैयान नाम से एक नाम है, तो इन्होंने कह रहे हैं कि भाई मैंने EU का अपडेट मैनुअली किया था जो मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाया था, अब ग्लोबल अपडेट कैसे करूँ, तो दोस्तों EU का अपडेट आपने करने के बाद EU का यानी यूरोपियन वर्सन का, उसके अंदर ग्लोबल वर्सन शो नहीं करेगा, नेक्स्ट मंथ का जो आएगा ग्लोबल वर्सन वो शो कर जाएगा बट ये नहीं करेगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखो, ज़रूरत नहीं आपको करना। सरबजीत रे कहते हैं मुझे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए अंडर 30K के अंदर, आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, आप ट्राई करिए, कुछ 200-400 एक्स्ट्रा लग जाएगा मे बी, आप Realme 6 ले सकते हो, अच्छा फ़ोन है। जब कोई नया सॉफ्टवेयर आता है तो कहीं ना कहीं इशू क्रिएट होता है, जब तक वो फिक्स नहीं होता, मे बी पिछले मई मंथ से लेके इस बार जो जून का अपडेट आया लगभग 99% फिक्स हो चुका है, तो ये जो छोटा मोटा इशू आता है ना एक ही टाइप के वर्क नहीं करता, ये डिवाइस अलग अलग होता है तो इसे कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट होता है, जैसे 164 GB में पहले ही बोला कि 64 GB 128 GB इनमें से कुछ ना कुछ इशू आता रहता है। देवाशीष हल्दर कहते हैं कि प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड और अपडेट नहीं हो रहा है, ये कैसे फिक्स होगा, तो आप सिंपल गूगल प्ले स्टोर का जो एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करिए, उसके इन्फो में जाके फिर दोबारा उसको अपडेट करिए, मे बी उसके बाद आपका सारे काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ सवाल है और सारे सवाल का जवाब तो मैं पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी वीडियो, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में जिन जिन का रह गया तो आने वाले टाइम में अगर वो नेक्स्ट आता है कभी Q&A करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। बस ये था आज के वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।